हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं ब्रिटिश इंग्लिश में आई का एक्सेंट क्रिएट कैसे होता है, क्योंकि जो हम आई बोलते हैं उसमें और ब्रिटिश इंग्लिश के आई में डिफरेंस है। चलिए देखते हैं आई का डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है। अब आप सामने देखिए, एक वर्ड लिखा है आइस। यहाँ पर जो आप फोकस करते हैं तो आप खुद देखिएगा, क्या आप फोकस आई को ऐसे ही लिखा जाता है। अगर इसको ऐसे लिखा जाता है तो सबसे पहले आपका फोकस यहाँ पर होता है, यानी कि आप, यानी कि इंडियन जब भी आई बोलते हैं तो स्ट्रेस वहाँ पर होगा ई पर। आइस 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 आइस, हाई हाइड, नाइट, है ना। अब ये देखिए, ब्रिटिश एक्सेंट में इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा। ब्रिटिशर्स फोकस करते हैं, स्ट्रेस डालते हैं आ पर, ई पर हल्का सा रखते हैं और आ पर स्ट्रेस ज़्यादा रखते हैं। चलिए देखते हैं, फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट वर्ड देख लीजिए, तो आप इसे क्या बोलने वाले हैं। आ आ आइस आइस आइस, नॉट आइस आइस, नहीं, आ आइस आइस, आ आइस आइस, हाई हा आ आ के ऊपर स्ट्रेस है, हाइक हाइड, नाइट, आ पर स्ट्रेस रहेगा, आ को थोड़ा लंबा खींचना है। तो आप कहेंगे आइस हाइक हाइड नाइट, जो ई है वो हल्का सा ही यूज किया जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड्स हैं फाइव आई फाइव, रिप्लाई रिप्लाई आई, रिप्लाई, अप्लाई अप्लाई अप्लाई, टाइप टा आ ई आई, टाइप, स्टाइल। आप स्ट्रेस रखना है ई पर, हल्का सा रखना है, स्टाइल। नेक्स्ट, राइप, पाइन, लाइन, वाइज, पाइप पाइप पाइप, ब्राइड, एलाइक, नाइक, काइट, लाइट, वाइट, साइज। तो आइडिया आपका कंसेप्ट इतना ही है। आज की वीडियो हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि इंडियंस ई पर स्ट्रेस डालते हैं और ब्रिटिशर्स आ पर स्ट्रेस डालते हैं, आई होगा आ ई। ये जो आई है, ब्रिटिशर्स यूज करेंगे आ ई, और हम स्ट्रेस डालते हैं ई पर, आईस आइस हाइक। ध्यान से देखो, डिफरेंस दोनों में है, तो स्ट्रेस कहाँ पर रहेगा, आ पर, आइस हाइक हाइड नाइट। हमें ऐसा लगता है जैसे ना किसी वर्ड को बोलकर हमें भागने की जल्दी है, और ब्रिटिशर्स बड़े रिदम से बोलता है, बड़े
स्लो मोशन में बोलता है, काइट, लाइट, वाइट, साइज, पाइप, ब्राइड, अलाइक, नाइक, राइप, पाइन, लाइन, वाइज, फाइव, रिप्लाई, अप्लाई, टाइप, स्टाइल। तो फ्रेंड्स, कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो बस ऐसे ही आप स्ट्रेस डालते हुए इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे आपके धीरे धीरे आपके ब्रिटिश एक्सेंट धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा और आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि वर्ड्स का जो उच्चारण था, प्रोनंसिएशन था, सही टाइप से कैसे किया जाएगा, और धीरे धीरे आपकी फ्लुएंसी क्लियर हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। तो आई थिंक माय डियर फ्रेंड्स, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। सो थैंक यू। और बिफोर यू गो, जस्ट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।